दीजिए मुझे, इसमें क्या दिक्कत हो गया अभी। अभी देखिए, अभी चेक कीजिए सोनिया मैडम, देखिए अभी आना चाहिए आवाज़, देखिए अभी। यस ओके, थैंक यू सो मच, आपका रिप्लाई आया, ओके थैंक यू सो मच। तो इस सराउंडिंग ओके और इन्वायरमेंट में कैसा हमको पढ़ना बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उसको फेस करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन करते रहते हैं अपने मतलब जो भी हम जिस राह पर चल रहे हैं उस राह में बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्शन लाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे मतलब क्या होता है, जब हमारा हम जो स्कूल में पढ़ते हैं उसी टाइम में परवरिश होना बहुत अच्छा चाहिए। हम पेरेंट्स लोगों का मतलब जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। किन लोगों में रहते हैं, किन फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, किस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं, ओके स्कूल में क्या करते हैं, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, स्कूल छूटने के बाद कहाँ जाते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान रहना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता है तो बहुत सारा उनके मेंटेलिटी ओके उनके बिहेवियर में बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है, आगे जाके वैसे ही प्रैक्टिकल में वो कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरत है, ओके ऐसा नहीं होगा तो बहुत सारे दिक्कतें फ्यूचर में आ सकते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा वहाँ पे जो भी हम इन्वायरमेंट में रहे हैं अपने छोटे बच्चों को वहाँ पे पढ़ाना बहुत ज़रूरत है, ओके आजू बाजू का सराउंडिंग कैसा ही रहने दो, नो प्रॉब्लम आप, लेकिन हम जो भी कल्चरल देते हैं, जो भी एजुकेशन देते हैं, जो भी सिखाते हैं, ये बहुत ज़रूरत है, ओके मतलब छोटे से मतलब रिस्पेक्ट से लेकर डिसिप्लिन के साथ सभी सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको वैसे ही जाके आगे उनका बिहेवियर रहेगा, वैसे ही उनका प्रैक्टिकल तौर पर मतलब बर्ताव रहेगा सोशल में, थोड़ा सा ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा पॉइंट निकाला मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ओके अब मैं यहाँ पे आपके साथ मतलब बहुत ही बढ़िया चाणक्य जो नीति सबको मालूम है उनका कोट यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा जो मैं लिख के लिया, बहुत अच्छा लगा। सिर्फ पानी से नहाने वाला कभी सफल नहीं होता, ओके सिर्फ पानी से नहाने वाला कभी सफल नहीं होता, पसीने से नहाने वाले ही दुनिया बदल देते हैं। इस वाक्य पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, इस वाक्य पर मैं बहुत ही मतलब 100% इसको मैं सपोर्ट करता हूँ इस वाक्य को, बिकॉज मैं जिस फील्ड से भी हूँ, 4 साल से इस फील्ड में हूँ, एवरी सिंगल डे एक भी ऐसा दिन नहीं रहता है जो मतलब मेरा टोटल मतलब जो बॉडी है पसीना से नहीं मतलब टोटल पसीना से भीग जाता है, ओके तो इतना अच्छा लगता है पसीना आने के बाद, जो मतलब जो हैप्पीनेस कहीं पर भी नहीं रहता है। और जो पसीना निकलता है, जिस पसीने निकलने के लिए जो लोग मुकाम पर रहते हैं वही लोग दुनिया बदल सकते हैं, वही लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। बहुत बढ़िया वहाँ पे चाणक्य नीति ने कहा है। मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, 4 ईयर्स न्यूट्रिशंस क्लब में काम कर रहा हूँ, तो जितने भी लोग हैं, जो लोग सिंसियर से साथ कर रहे हैं, मन लगा के कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, उनको ही अच्छा रिजल्ट आता है। उन लोग ही अच्छा मतलब हेल्थ कमाया हुआ है। इस पर मैं मतलब यहाँ पे 100% मैं यहाँ पे सपोर्ट करता हूँ इस वाक्य तो, ओके तो ये वाक्य आपको अच्छा लगा होगा, सेंटेंस अच्छा लगा होगा, ऐसा आशा करता हूँ, मैं लिख के लिया था, ओके तो अपना सराउंड कैसा है, अपने अपना आजू बाजू का जो माहौल है कैसा है, ये अपने व्यक्तिमत्व तौर पर प्रभाव करता है, करेक्ट है, ओके समझो। बहुत सारे लोग मतलब हमारे छोटे बच्चे हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठते हैं वहाँ पे अलग अलग तरीके से गॉसिप हो रहा है, गालियाँ दे रहे हैं, वैसे ही अपने बच्चे सीखने वाले हैं, ओके तो वो ज़्यादातर सुन सुन के वहीं बर्ताव करने वाले हैं। तो वैसे माहौल में कभी भी बच्चन को छोड़ना नहीं है, ओके अच्छा सिखाना है, ऐसा कोई माहौल है, ऐसा कोई गली है वहाँ पे उनको छोड़ना नहीं है, मतलब बच्चों को आपके घर में रहकर उनको अच्छा एजुकेशन देना है, कुछ तो क्रिएटिव थिंकिंग देना है, खेल खुद में उनको लगाना है, ये बहुत ही काफ़ी मतलब जिस टाइम में होना चाहिए उस टाइम में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम उनके व्यक्तिमत्व विकास पर हो सकता है, और आगे जाके हम कितने ही क्वालिटी का उनको एजुकेशन दे दो उनका चेंजेस नहीं होगा, उनका मन प्रभावित नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ही ज़रूरत है, ओके कभी कभी बड़ों के मामले में ऐसा हो सकता है, ओके जैसे कि कॉलेज में लड़के रहते हैं, कॉलेज के लोग जैसे जिस फ्रेंड्स के साथ रहते हैं वैसे ही उनका प्रैक्टिकल तौर पर उनका रोज का काम हो जाता है, उस तरीके से करना स्टार्ट होता है। जिस फ्रेंड के साथ रहते हैं वैसे ही मतलब बुरी आदतें लगते हैं। अच्छा एक ग्रुप है पढ़ने वाला,
गोल सेटिंग करने वाला, फ्यूचर में कुछ तो करने जैसा, ऐसे जो फ्रेंड्स रहते हैं बहुत सारा कुछ वहाँ पे सिखाते जाते हैं, अच्छा सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन बहुत सारे कॉलेज में आप देखे होंगे एक ग्रुप ऐसा रहता है जो कुछ भी करना नहीं चाहते हैं, क्रिमिनल माइंड के रहते हैं, मतलब उनके उनके हाथ में ऐसा कुछ सक्सेस नहीं मिलता है, उनके जीवन में ऐसा कुछ सक्सेस नहीं मिलता है जो आगे जा चुके, मतलब इतना कुछ उनके हाथ में नहीं रहता है। तो ऐसा ही मतलब इतना बड़ा अपने व्यक्तिमत्व विकास पर, डेवलपमेंट पर, ओके पर्सनली डेवलपमेंट पर इतना प्रभावशाली हो सकता है। तो सराउंडिंग का वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ही ज़रूरत है। ओके खुद को सिलेक्ट करना है कैसे वातावरण में रखना है। ओके तो ये बहुत ज़रूरत है। तो हम जिस दिन भी हम कॉलेज में या हमारे स्कूल में जाते हैं या किसी भी आप बिजनेस पर जाते हैं, नौकरी पर जाते हैं, तो आपको तय करना है, आपको सिलेक्शन करना है किस ग्रुप में रहना है। निगेटिव पीपल के साथ रहना है, पॉजिटिव पीपल के साथ रहना है। ओके जो लोग अपने ज़िंदगी के जो नज़रिया अच्छे रखने के लिए देखते हैं, ओके कुछ तो करना चाहते हैं, ऐसे ग्रुप में रहना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे बहुत अच्छा होगा, अच्छा फ्यूचर होगा आपका, मतलब आपका क्रिएटिव माइंड अच्छा होगा, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए आपको बढ़ावा देना शुरू हो जाएगा। एक थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरत है। आप ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत सारा फ्यूचर में मतलब हासिल नहीं होगा, आप मतलब इतना सक्सेस नहीं पा पाओगे, आपके जीवन में इतना आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आपको हैप्पीनेस भी अंदर से नहीं लगेगा। ओके तो ये सक्सेस हैप्पीनेस लगना बहुत ही ज़रूरत है, बहुत मायने रखता है आगे ज़िंदगी बढ़ने के लिए। ओके तो इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट होता है अपने सराउंडिंग से होता है, अपने वातावरण से होता है, अपने इन्वायरमेंट से होता है। थोड़ा सा ध्यान में देना बहुत ही ज़रूरत है यहाँ पे, ऐसे नहीं करते तो बहुत सारे दिक्कतें आ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स कैसे हैं तब जाके उनके साथ रहना चाहिए। ओके ऐसा कुछ मतलब ज़बरदस्ती नहीं है, उनके साथ रहना ही है। ओके बहुत सारे रिलेटिव्स ऐसे रहते हैं निगेटिव्स बोलते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे रहते हैं बुरी आदतें लगाते हैं, ओके बुरी चीज़ों में उनको शामिल कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो आपको खुद को यहाँ पे डिसीजन लेना है किसके साथ रहना है, किस व्यक्ति के साथ जाना है। ओके आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरत है। ऐसा करेंगे तो बहुत सारा आप वहाँ पे डेवलपमेंट आप हासिल करोगे और आपके फ्यूचर में आगे जाने के लिए बहुत ही मतलब आप कामयाब रहोगे। कैसे वातावरण में क्या सीखते हैं वैसा ही विचार आते हैं। हम जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ पे क्या देखते हैं क्या सुनते हैं, ओके क्या मतलब प्रैक्टिकल तौर पर वहाँ पे हम अनुभव लेते हैं, वैसे ही विचार आने को स्टार्ट होते हैं। ओके आप जितना अच्छा सीखोगे, आप जितना अच्छा पढ़ोगे, जितना अच्छे लोगों को फॉलोअप करोगे, उतना अच्छा आपका फ्यूचर होगा। आपके जो विचार है, ओके जो थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है, उसमें बहुत ही बदलाव आने वाला है, एक सक्सेसफुल थिंकिंग वहाँ पे आने वाले है और बहुत ही बढ़िया अपना ज़िंदगी रहने वाला है। ओके कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि मैं लूज़ हो गया हूँ, मैं कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि मैं हार चुका हूँ, तो मतलब कभी भी आपको लगा कि मैं ये जीतूँगा मैं करूँगा, ऐसा आपके एक मेंटेलिटी बन जाएगा। आप अच्छे सराउंडिंग में रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, तो कौन से वातावरण में हमें पले पड़े उस पर आपका दिशा क्रमण सही रहता है। आप जिस वातावरण से आए हैं, जिस सराउंडिंग से आप आए हैं, ओके वो तय कराएगी आप किस दिशा में जा रहे हैं, आपको कौन सा दिशा मिलेगा आगे जाके, आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, आप कितने सक्सेसफुल रहोगे। ओके ये सभी चीज़ें उस पर ही निर्भर करता है जिस सराउंडिंग में आप आते हैं, किस लोगों के साथ रहते हैं, किस फ्रेंड के साथ रहते हैं, क्या सुनते हैं क्या देखते हैं। ओके तो क्या प्रैक्टिकल तौर पर आप कर रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं, कुछ न्यू स्किल सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं, ये सब मतलब ये इन पर इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ओके ऐसे कौन से लोगों के पास नहीं रहना है कि वहाँ पे मतलब बहुत सारे निगेटिव है, नहीं आता है, ऐसे ही बोलते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ नहीं। कभी भी आपको मतलब राइट वॉइस सुनने की आपको मतलब वहाँ पे आदत डालनी है, अच्छे सुनने की आदत डालनी है, अच्छे देखने की आदत डालनी है, अच्छे लोगों के साथ रहना है, कुछ तो नया सीखने की वहाँ पर ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे न्यूट्रिशन क्लब का मैं सराउंडिंग बताना चाहूँगा।
हम जिस न्यूट्रिशंस क्लब में काम करते हैं, जहाँ पे पॉजिटिव माइंडेड लोग आते हैं, डिटर्मिनेशन लोग आते हैं, गोल सेटिंग वाले लोग आते हैं, कुछ तो फिटनेस पाने की चाह रखते हैं, ओके, फिर मतलब फ्यूचर को एक अच्छा नज़रिया से देखते हैं, ऐसे लोग उसमें आते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव इनर्जेटिक वहाँ पे सराउंडिंग बन जाता है, एक माहौल बन जाता है। बहुत अच्छे लोग आते हैं जो कि अच्छा मैसेज पास करते हैं एक दूसरे के साथ, अच्छा वहाँ पे गॉसिप होता है, फिटनेस के बारे में गॉसिप होता है, फ्यूचर के बारे में गॉसिप होता है। बहुत ही मतलब सब्जेक्ट है वहाँ पे, हम लोगों को वहाँ पे शेयर करते हैं, जो कि आगे फ्यूचर में जाके बहुत ही सारा उनका फिटनेस बढ़ जाए और वैसे मेंटेन रह जाए। तो ऐसा हमारे न्यूट्रिशन क्लब का माहौल रहता है। ऐसे ही आप मतलब कहीं पर भी, किस सिचुएशन में हो, किस घर में रहते हो, कहाँ पर हो, बिजनेस में हो, अपने मतलब काम पर हो, नौकरी पर हो, वहाँ पर आप एक अच्छा वाला वहाँ पे इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर सकते हो, आपके हाथ में है। कैसे आप, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका थिंकिंग कैसा है, आपका मेंटेलिटी कैसा है, उस तरीके से लोग आपके साथ जुड़ते जाने वाले हैं, ओके। तो ये थोड़ा सा खुद पर ध्यान देना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरत है, देना ही चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा अंबर है, खुद पर चेंज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जिस वातावरण में रहते हैं वैसे ही प्रैक्टिकल करने लगते हैं। हम जिस लोगों के साथ रहते हैं, वो लोग कैसे करते हैं, वैसे ही ऑटोमेटिक आपके प्रैक्टिकल में आने वाला है, हम वैसे ही बर्ताव करने वाले हैं, ओके। ये 100% करेक्ट है। हम क्रिमिनल लोगों के साथ रहेंगे, क्रिमिनल जो करते हैं वैसे ही हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ओके। आप बैड लोगों के साथ रहेंगे, बैड लोग क्या सोचते हैं, क्या नहीं करते, वैसे ही करने वाले हैं। तो ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है, अच्छा ही मतलब जो सराउंडिंग से हट के हमको बाहर आना है, अच्छा लोगों के साथ रहने के लिए हमको प्रयास करना है। थोड़ा सा ध्यान में रहना बहुत जरूरी है। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, उनके पास न्यू स्किल्स रहते हैं, ओके, अच्छा विचार रहते हैं, बहुत अच्छा कुछ करने की चाह रखते हैं, उनके पास मतलब अच्छे अच्छे गोल सेटिंग्स रहते हैं। इनसे आप दोस्ती करोगे, इनसे फ्रेंडशिप करोगे, इनसे आप फॉलो करना शुरू करेंगे, इनके साथ रहेंगे तो ये सब कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छा अच्छा सीखने को मिलेगा, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत आगे लेके जाएगा। आपका पॉजिटिव माइंड रहेगा, कभी भी आप निगेटिव सोच नहीं रखेंगे, आप जो भी कुछ करेंगे उसमें सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरत है। जीवन में सक्सेस में वातावरण एक महत्वपूर्ण घड़ी है, आपका ध्येय इस पर ही निर्भर है। ये 100% करेक्ट है। हम जिस लोगों के साथ रहते हैं, जिस फ्रेंड के साथ रहते हैं, ओके, वैसे ही बर्ताव करने लगेंगे तो ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होगा। और जिस अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, जिस लोगों के पास बहुत ही पावर एनर्जी है, पॉजिटिव थिंकिंग है, तो बहुत सारा सक्सेस मिलने वाला है। आगे जाके जो भी ज़िंदगी में मतलब अपने लाइफ में जो भी कमाना है उस पर निर्भर रहता है। ये 100% करेक्ट सेंटेंस है, ओके। तो खुद पर काम करना है, खुद को अच्छा प्रूव करना है, अच्छे इन्वायरमेंट में रहना है, ओके। अपने जो पूरा परिवार को अच्छा बनाना है, नेक्स्ट जनरेशन को अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करके देना है। ये खुद ही खुद आप खुद पर डिपेंड है, ओके। ये सब अपने पर डिपेंड है, ये खुद प्रयास करना चाहिए और अच्छा करने के लिए प्रयास करते ही रहना चाहिए, अच्छा सीखना चाहिए, अच्छा पढ़ना चाहिए, ये बहुत ज़रूरत है। कभी भी आजू बाजू के वातावरण ठीक ना हो तो, लेकिन उसको खुद वातावरण लक्ष्य न दे और खुद को एक लक्ष्य पर नज़र रखना चाहिए। समझिए, आप किसी भी मतलब कॉलेज में हो, ओके, बिजनेस पर हो, नौकरी पर हो, आजू बाजू के लोग अच्छे नहीं है, लेकिन आपको वहाँ पर ध्यान नहीं देना है, खुद को डिटरमिन करना है, एकाग्रता करना है, उन लोगों का कुछ भी सुनना नहीं है, देखना नहीं है, खुद के ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करके आपको मतलब जो भी काम कर रहे हो वो करना है, ओके। ऐसा करेंगे तो बहुत सारा आप मतलब एक अच्छा पेशेंस वाले आदमी बन जाओगे, बहुत खुद पेशेंस आप में आएगा, आप नज़रअंदाज करना शुरू कीजिए, जो भी बुरी आदत है, बुरी चीज़ें है, कहाँ पर भी मतलब ऐसा नहीं आपको ध्यान देना है वहाँ पे, ओके। ऐसा आप ध्यान देंगे तो आप बहुत सारा मतलब वहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, ओके। तो आपका ध्यान हटा के आप उनमें शामिल हो रहा है ये लगेगा वहाँ पे। तो ऐसे लोगों को साथ नहीं रहना है, ध्यान नहीं देना है, खुद पर ध्यान देना है, आगे बढ़ते रहना है। अंतिमता एक ही आपको मतलब फाइनली यहाँ पे कहना चाहूँगा, आपको मैं लिख के रखा था यहाँ पे, एक ही उद्देश्य रहना चाहिए, हम जिस भी वातावरण में रहते हैं वो पॉजिटिव अच्छा कैसा बनेगा इस पर ध्यान देना चाहिए। हम जिस भी वातावरण में है समझो, ओके, कॉलेज में है,
नौकरी पर है, स्कूल में है, बिजनेस में है, कौन से भी वातावरण में है, नो प्रॉब्लम। लेकिन उस वातावरण को, उस इन्वायरमेंट को चेंज करने की क्षमता आप में चाहिए, एबिलिटी आप में चाहिए। ओके, वहाँ पे कितने भी नेगेटिव पीपल हो, कितने भी बुरी सोचने वाले लोग हो, उनको चेंज करने की क्षमता आज में चाहिए। ओके, तो ये थोड़ा सा लीडरशिप स्किल्स लगता है, लीडरशिप क्वालिटी लगता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको खुद के ऊपर बहुत सारा काम करना होगा। तो फर्स्ट चीज़ आपको फिट रहना है, तो एक्सरसाइज करना होगा, उसके बाद न्यूट्रिशंस लेना होगा, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ने होंगे, मेडिटेशन करना होगा, जो कि बहुत सारा आप में बदल होना शुरू हो जाएगा। आपका टोटल जिंदगी को देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। जो भी वहाँ पे बुरे लोग हैं, बुरी आदत है, ओके, बुरी काम चल रहा है, ओके, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, उस इन्वायरमेंट को मतलब आप पॉजिटिव में क्रिएट कर सकते हैं। बहुत अच्छा, मतलब वहाँ पे जो भी है उन लोगों का माइंडसेट आप चेंज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, कुछ तो सीखने मिला होगा। आप ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, आज के दिन इन्वायरमेंट के बारे में जो भी मैं पढ़ा हूँ, जो भी अनुभव लिया हूँ, ओके, और मेरे पास जो भी नोट्स थे आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर किया हूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट्स कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ एक नया सब्जेक्ट लेके आऊँगा, जो कि डेली लाइफ में आपको वहाँ पे बेनिफिट होता है, यूज़ होता है। ओके, तो बहुत सारा टिप्स आपको मिलेगा आपको बेहतर होने के लिए, लाइफ में सक्सेस होने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन, कमेंट्स कीजिए, एंड थैंक यू सो मच। आज के दिन इतना ही आपके साथ शेयर करना चाहता था मैं। तो रोज़ के द्वारा आपको पूछता हूँ कि आप अभी भी घर में हो, डिस्टेंस बनाए रखिए, खुद को बेहतर बनाइए, एक्सरसाइज कीजिए, न्यूट्रिशंस लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए, अच्छा लोगों के साथ रहना सीखिए, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना सीखिए, सराउंडिंग्स अपना अच्छा रखिए। ओके, इस पर जितना भी ध्यान देंगे उतना आप बेहतर बनने वाले हो, फैंटेस्टिक बनने वाले हो। ओके, थोड़ा सा आपको वहाँ पे पेशेंस रखना है, बहुत ही अच्छे दिन हमारे साथ आने वाले हैं। एंड थैंक यू सो मच, आज के दिन इतना ही आपके साथ शेयर करना था, एंड फिर एक अच्छा सब्जेक्ट लेके आपके साथ मैं ज़रूर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, एंड थैंक यू सो मच, एंड गुड नाइट।